सब्सक्राइब करें कंप्यूटर ब्लॉक चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस दैट मींस नीट एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड आज ही से स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा नीट एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, शेड्यूल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, कैसे आप ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे मैं एक एक करके आप लोगों को शो करूंगा। तो फ्रेंड्स, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का वेबसाइट खुलने के बाद फ्रेंड्स हम स्क्रॉल डाउन के थोड़ा नीचे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नीट UG 2019 में क्लिक कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, नीट UGC 2019 का फॉर्म फिलअप करने से पहले थोड़ा उनका इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। स्क्रॉल डाउन कर फ्रेंड्स नीचे चले जाते हैं हम, फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है उनका बेसिक गाइड, आप एप्लीकेशन डालने से पहले थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम पहले बात कर रहे थे एज क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, एज का जो क्राइटेरिया है ये देख लीजिए, आपका बोर्न इसके अंदर ही होना चाहिए आप अगर यूआर कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप SC ST OBC और नॉन क्रिमिनल में है तो आपका एज इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं उन्होंने। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी डिटेल्स और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, उन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया आज May 2019। तो फ्रेंड्स, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम ये स्टार्ट होगा आज से, ये 30 नवंबर तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ उन्होंने शेड्यूल फॉर करेक्शन के सारे डिटेल्स में उन्होंने दे दिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली चले जाते हैं फी डिटेल्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो UR और OBC कैंडिडेट के लिए कुल मिलाकर 1400 पे करना पड़ेगा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 750 रुपीज करना पड़ेगा ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपलोडिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन डालने से पहले आप लोगों का फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी साथ में रखिए, क्योंकि ये भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। ये जो उनका साइज है, ये डिटेल्स उन्होंने दे दिया सिग्नेचर और पिक्चर का, आप देख लीजिए थोड़ा पहले। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली चले जाते स्क्रॉल डाउन कर नीचे, इसमें क्लिक कर लेते आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक कर प्रोसीड टू अप्लाई में हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना है, मैं एक एक करके फिलअप करूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पहले नाम फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका मदर नाम लिखना होगा, उसके बाद फादर नेम और कैटेगरी डालना होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, और पर्सनल डिजिबिलिटी यहाँ पर मैंने नो दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ आपको ख्याल रखना है, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला यहाँ पर, जेंडर डाला है फ्रेंड्स। उसके बाद नेशनलिटी फ्रेंड्स, जिस स्टेट से आप हो उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा बरूबर। उसका फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टाइप दिया उन्होंने, मैंने आधार नंबर सिलेक्ट किया। उसका फ्रेंड्स लास्ट 4 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर आप लोग को डालना होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है नीचे दिया उनको यहाँ पर डालने के बाद फ्रेंड्स प्रीव्यू और नेक्स्ट में आप लोग क्लिक करेंगे। प्रीव्यू और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये पेज आ जाएगा। आप सारे यहाँ पर जो मेंशन किया उसमें चेकबॉक्स में क्लिक करना है, क्योंकि ये सारे डिटेल्स आपने सही से डाला है। उसके बाद फ्रेंड्स, आई हैव वेरीफाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय मी, उसके बाद क्लिक करके आप फ्रेंड्स नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आप लोगों का पासवर्ड डालना है और OTP वेरीफिकेशन जो आपका मोबाइल पर आएगा ये भी यहाँ पर डाल के आप लोगों को सबमिट करना है। तो आप जो पासवर्ड डालेंगे ना, तो ये कैरेक्टर्स आप लोग याद रखना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए और आप लोगों का अपर केस, लोअर केस और न्यूमेरिक वैल्यू भी यहाँ पर डालना हो और आप लोगों का स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर डाल के ये कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स, सबमिट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर आप लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन नंबर आप कॉपी कर लीजिए, तो मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन नंबर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो लॉग इन किया तो सारे डिटेल्स शो किया, हमें एक एक करके ये फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेप 1 में हम चेक कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर लेफ्ट है और क्या क्या फिलअप करना चाहिए। पर जो कैन नॉट बी चेंज्ड है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जो जो चेंज करना है वो चेंज कर लीजिए यहाँ पर। यह जो लिखा आर यू सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज टाइप 1, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नो दे दिया। फ्रेंड्स, लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने इंडिया में हो, उसको स्टेट सिलेक्ट करना है यहाँ से, मैं त्रिपुरा सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। उससे फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट उन्होंने पूछा, मैं दरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन नंबर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज दिया उन्होंने, मैंने यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस में आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर चारों एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एज ड्राफ्ट देके उसके बाद नेक्स्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को एकेडमिक डिटेल्स डालना है, वो 10th का और 11th का और 12th का। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो एप्लीकेशन डाल रहा हूँ वो कैंडिडेट 2019 में 12th देगा, तब से मैं फॉर्म डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 10th का एग्जामिनेशन का सारे डिटेल्स डालना है, मैंने सारे डिटेल्स डाल दिया, आप चेक कर लीजिए यहाँ से। जैसे कि मैं स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद नेम द स्कूल, स्कूल का एड्रेस और ईयर ऑफ पासिंग और कितना परसेंटेज मिला 10th में, बहुत डाला। तो फ्रेंड्स, उसके बाद 11th में सेम स्कूल में, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और प्लेस ऑफ स्टडी,
उसके बाद कौन सी स्टेट से वो मैंने सिलेक्ट किया, उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्लास 12 का इन्फॉर्मेशन डालने से पहले मैं एक नोटिफिकेशन शो कर रहा हूँ, आप थोड़ा उसको पहले देख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड कहा वहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने कोड 1 सिलेक्ट किया इसके लिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन 2019 में होगा और इसके लिए रिजल्ट वेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कोड 1 सिलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स कोड 1 सिलेक्ट करने से पहले क्या होता है, इसके बाद जो मार्क्स है वो यहाँ से नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि रोल नंबर भी यहाँ पर नहीं डालना होगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन का रोल नंबर अभी तक। तो फ्रेंड्स उसके बाद सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स सेव एज ड्राफ्ट में हम क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन का एड्रेस सारे डिटेल्स यहाँ पर डालना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हाउस नंबर और लोकेलिटी, लैंडमार्क, विलेज और पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब फ्रेंड्स डालना है। तो फ्रेंड्स आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट अगर सेम टू सेम है तो फ्रेंड्स आप इस चेकबॉक्स में क्लिक कर दीजिए। उससे फ्रेंड्स आपका डिटेल्स और पेरेंट्स का जो क्वालिफिकेशन है उसका क्या करते हैं सारे डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा। जैसे तो उनका यहाँ पर आप कस्टमर एड्रेस अगर पहन के जाते हैं तो उस एग्जामिनेशन के वक्त, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यस दे दीजिए, आप मैंने उसके बाद नो दे दिया। उस फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फ्रेंड्स आप सेव एंड ड्राफ्ट में क्लिक कर दीजिए, प्रीव्यू एंड सबमिट में क्लिक कर देते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, आप सारे डिटेल्स एक एक करके चेक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको डाल के आप वहाँ पर वेरिफिकेशन करना है और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट डालना है। तो फ्रेंड्स उसके पहले आपको ये जो चेकबॉक्स आपने डाला जो एप्लीकेशन में सारे चेकबॉक्स को आप चेक करना है। फ्रेंड्स फाइनल सबमिट में हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे कन्फर्मेशन मिला, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर यस प्लीज डू क्लिक मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर और सिग्नेचर डालना होगा। तो फ्रेंड्स अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड उसके बाद आप लोगों को फिर से उसका सिक्योरिटी पिन डालना होगा। डालने के बाद जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर डाले उसमें क्लिक करने के बाद आई हैव वेरीफाई में क्लिक करने के बाद अपलोड में क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को सारे डिटेल्स एक एक करके फिलअप कर लिया, अब आप लोगों को पेमेंट करो। तो फ्रेंड्स मोडो पेमेंट मेथड में आप जिससे पेमेंट कर, जैसे कि डेबिट कार्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर और क्रेडिट कार्ड भी है और नेट बैंकिंग भी, आप जिससे भी चाहिए उससे पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं नेट बैंकिंग में क्लिक कर देता हूँ। उसका फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ उन्होंने मेथड दिया, जैसे कि आप लोगों का जो पेमेंट अगर नेट बैंकिंग से करते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक से करते हैं तो उसका आपका GST कितना लगेगा, ऐसे करके सारे बैंक का डिटेल्स उन्होंने दे दिया। तो फ्रेंड्स आप जिससे कर सकते हैं उससे कर लीजिए, मैंने SBI से सिलेक्ट करके SBI से कर रहा हूँ। उसका फ्रेंड्स गो फॉर पेमेंट में क्लिक करना है, यस प्लीज डू इट। उसका फ्रेंड्स आपका बैंक जो है वो SBI में क्लिक करके क्लिक हेयर में क्लिक कर देता हूँ। उससे फ्रेंड्स आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। फ्रेंड्स आफ्टर पेमेंट आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाएगा। उससे फ्रेंड्स आप लोगों का क्लिक हेयर करके आपका कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स नीट UG 2019 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हुआ वो कैसे करना है मैं सारे डेमोस्ट्रेशन लाइव करके दिखा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आप लोग फिर भी कोई कोई अरे तो वीडियो को डीजिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।